नहीं देखिए, यहाँ पर आपने हुजूम देखा, ये उत्साह देखा, वो इसलिए है कि महागठबंधन की जीत पंजा छाप पे यहाँ होने वाली है। राहुल गांधी जी आए, तेजस्वी जी आए, मुकेश सहनी जी आए, मीरा कुमार जी आए, तमाम हमारे महागठबंधन के नेतागण थे, दीपंकर जी थे। इसका ये मतलब होता है हम सशक्त हैं, मजबूत हैं, हम जीतेंगे, बदलाव आने वाला है। कितना सर मतों से, मतलब रिकॉर्ड तोड़? अरे रिकॉर्ड मतों से एक, या आप ये सुनिश्चित है जीत? सर ये अभी आरोप लगा रहा है कि मतलब इंडिया गठबंधन को अरे आरोप लगाते रहे ना, अपना देखें, अपना घर में है, उनके जो उम्मीदवार सांसद हैं कभी आए नहीं, उनको तो कोई जानता नहीं, कौन सा निर्माण का कार्यक्रम किए हैं ये तो मुझे बताइए। तो आप आरोप लगाते रहे, ये सब लगता रहता है। जीतने के बाद सबसे पहले क्या करने वाले हैं पटना साहिब की जनता के लिए? देखिए यहाँ पर जीतने से सब, यहाँ पर एक आईटी हब बनेगा, यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलेगा, यहाँ जल जमाव की जो समस्या है, और पीपा पुल यहाँ पर बनेगा, पक्का पुल। आप जानते हैं पीपा पुल किस तरह खतरनाक जर्जर हो चुका है, वहाँ पर एक पक्का पुल बनेगा ताकि वहाँ गंगा के ऊपर लोग आराम से आए जा करें। सर 15 साल से पीपा पुल का मामला रहा है, क्या आप आने से सबसे पहले पीपा पुल? और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने कहा है कि मैंने वचन दिया है, मैंने संकल्प लिया है पीपा पुल की समस्या दूर होगी। खुसरोपुर का जल जमाव भी एक समस्या है, फतुआ का जाम समस्या है, दरियावा में पानी की किल्लत है, क्या हो रहा है, क्या हो गया है? कौन सा गढ़ है, कौन सा गढ़ है, गढ़ में आया कौन सा गढ़ है? आवाम तय करती है ना गढ़ क्या होता है, वो तय करेंगे जी, आवाम बताएगी गढ़ क्या है। और उन्होंने तय कर,